नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। केदारनाथ धाम के लिए गुप्तकाशी, सैरसी, फाटा से 9 कंपनियों के माध्यम से हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन किया जाता है, लेकिन मानसून सीजन में केदारनाथ में भारी बारिश व मौसम खराब रहने के वजह से ये कंपनियां अपनी सेवा बंद कर देती हैं। दोस्तों, इसी के बारे में आपको अपडेट देंगे। चार धाम यात्रा के दूसरे चरण में केदारनाथ धाम के लिए 15 सितंबर से पूरी तरह से हेलीकॉप्टर सेवा संचालित होगी। मानसून सीजन में 7 कंपनियों ने हेलीकॉप्टर की सेवा बंद कर दी थी। उत्तराखंड सरकार की अनुमति पर ट्रांस भारत और हिमालय एविएशन कंपनी से हेली सेवा का संचालन फिर से शुरू किया जा रहा है। केदारनाथ धाम के लिए गुप्तकाशी, सैरसी, फाटा से 9 कंपनियों के माध्यम से हेलीकॉप्टर सेवा दी जाती है, लेकिन मानसून सीजन में केदारनाथ घाटी में भारी बारिश व भूस्खलन व मौसम खराब होने के कारण ये कंपनियां अपनी सेवा टेम्परेरी तौर पर रद्द कर देती हैं। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के CEO ने बताया कि वर्तमान में 2 कंपनियों के माध्यम से हेलीकॉप्टर सेवा संचालित की जा रही है। 15 सितंबर से सभी कंपनियां अपना सेवा देना शुरू कर देंगी। जिस भगत को हेलीकॉप्टर की सेवा लेना है वो इसकी बुकिंग कर सकते हैं। नमस्कार, हर हर महादेव।